सांबा जिला के सुम ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाला पेयोरा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। दरिया पर पुल न होने के कारण इस बारिश के मौसम में लोगों को तैरकर दरिया पार करके गांव से बाहर रोजमर्रा के कामों के लिए जाना पड़ता है। यहां तक कि गांव के बच्चों को भी दरिया पार करके स्कूल जाना पड़ता है। गांव को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लगभग 2 घंटे का पैदल रास्ता तय करके फिर दरिया पार करके वे अपने घरों को वापस पहुंचते हैं। गांव में ना तो कोई स्कूल है और ना ही डिस्पेंसरी और ना ही गांव में पर्याप्त सड़कें हैं। वहीं लोग प्रशासन से उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने की गुहार लगा रहे हैं। कहना क्या है, मजबूरी है, डेली जाते हैं इधर से दिहाड़ी लाने। देखो अभी आपके सामने आ रहे हैं, क्या हालत है इधर। एक छोटा सा पुल नहीं बना सकते। हमारी तो छोड़ो, 5-5 साल के बच्चे हैं, पढ़ने जाएंगे क्या भविष्य, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो सरपंच पंच बोल लेने के लिए आते तो कुछ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी देखो कोई हल नहीं है, वैसा ही है जैसे है अभी भी। अभी देखो इतना तो पानी क्रॉस करके आ रहे हैं गर्दन तक पानी। सोचना चाहिए, हमारी वीडियो तक पहुंचनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारे ग्राम में छोटा सा पुल बन जाए प्योर में। वैसे 1 किलोमीटर आगे हमारा ना गांव बन बनाव के जाना जाता है।